मैडम जी ये देख लेना, इसका नाम बिजोनिया मैडम, स्किन प्रॉब्लम के लिए, ओके, एक्जिमा, सोरियासिस, कोई भी कुजली वगैरह वो सब होता है ना, उनके लिए। मैडम आजकल हम सब ठीक है, कोई भी बीमारी हमको पूछ के नहीं आता है, आने के बाद ही पता चलता है, इसीलिए हम लोग प्रिवेंसी में रहना जरूरी सर। ओके, स्किन प्रॉब्लम नहीं होने के लिए क्या करना है मैडम? ओके, आजकल दुनिया में मैडम आयुर्वेदिक बुक में लिखा हुआ, पीना मतलब गर्म पानी, नहाना मतलब ठंडा पानी, दुनिया उल्टा चल रहा है। पीना मतलब गर्म पानी, मतलब हम लोग छोटे मोटे गलत कर रहे हैं ना जी, थोड़ा गंदे विंदे खाना, इसका मतलब ऐसे बटर जो दुनिया में नहीं होते हुए चीज को हम अंदर डाल रहे हैं ना, वो सब माइनस करने के लिए हम लोग को गर्म पानी मदद करता है। इसका मतलब हजम का शक्ति को बढ़ा देता है, कितना भी गंदे कचरे को वो बिगला देता है गर्म। ओके, ठंडा पानी में नहाने में क्या होता है मैडम, अपना शरीर 24 घंटे गर्म गर्म में रहता है मैडम। एक किलो आइसक्रीम खाएंगे ना मैडम, एकदम ठंडा चीज, शरीर कूल होना चाहिए, क्यों गर्म हो रहा है मैडम? ओके, एक्चुअली मैडम देखना, टाइट कपड़ा पहनना भी मना है मैडम। ये टाइट कपड़ा पहनने में इनर लेयर में क्या हो जाता है मैडम, अपना पसीना अंदर के अंदर ही रह जाता है, इसीलिए हम 5 साल भी नहीं नहाएंगे ना मैडम, फेस में से स्मेल नहीं आएगा हाथ भाव में से, क्यों? वो सब उनके साथ डायरेक्ट है, थोड़ा इनर लेयर मतलब एकदम नई स्किन है, इसलिए नहाते नहाते 5-10 मिनट में भी बैड स्मेल निकल जाता है। इसीलिए क्या होता है, अपना शरीर अंदर के अंदर ही गर्म, इसका मतलब ठंडा पानी में नहाने में अपना स्किन प्रॉब्लम होने नहीं देगा, वेरिकोस प्रॉब्लम होने नहीं देगा। ऑलरेडी हम गर्म है सर, उसके ऊपर गर्म पानी में डालने में नस वगैरह गुम जाता है अंदर, इसीलिए वेरिकोस प्रॉब्लम होने का मौका रहता है, स्किन एलर्जी प्रॉब्लम होने का मौका रहता है। आज के बाद मैडम गर्म पानी में पीने का आदत होता तो थोड़ा थोड़ा कम करके नॉर्मल पानी में आइए मैडम। मैडम ये बात चीज है ना, मैं कश्मीर वाला से इसी टाइम बोलूंगा ना, मुझे मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, वहाँ पे बर्फ, उसी जगह पे ठंडी के मौसम में किसी तरह नहाना है मैडम। मैं पहले बोला ना, एक्चुअली पानी गर्म होना चाहिए, उसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए, गुनगुना पानी, अगर शरीर में एक पानी डालेंगे ना, शरीर में से धुआं नहीं निकलना चाहिए, उसी हिसाब से नहाएंगे, थोड़ा ठंडी में से भी दूर हो सकते, ये सब स्किन प्रॉब्लम से भी दूर हो सकते। मैडम ये आर्निका लीफ है जी, पेन किलर, बड़े लुक के लिए जॉइंट पेन, ओके, स्वेलिंग पेन, गिर गया, पिसल गया, सब के लिए हम लोग इसमें से ऑयल बनाते हैं जी, एकदम रॉ मटेरियल सर, ऐसे निचड़ के ओपन में देते हैं हम लोग, रोज रात को सोते समय ना मैडम लगाने में, अपना हड्डी के बीच में सूखा हुआ ग्रीस, ओके, मतलब घुमा हुआ नस, जाम हुआ ब्लड को ये रिलीफ कर देते। ओके, एक्चुअली मैडम मैं पढ़ने के टाइम पे ज्यादा दारू पीने में और सिगरेट पीने में फैटी लीवर आएगा करके सिखा के दिया, लेकिन आजकल उन लोग सब अच्छा लग रहे हैं, अच्छा अच्छा मतलब शरीफ करी के अंदर ही ये बीमारी घुस रहा है सर। और मैडम मेल डिपार्टमेंट से ज़्यादा फीमेल डिपार्टमेंट में ये ज़्यादा ये बीमारी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? मैं पहले बोला मैडम, कोई भी बीमारी पूछ के नहीं आता है, आने के बाद ही पता चलता है, उसको आने नहीं देना। एक्चुअली फैटी लीवर एक्चुअली हर मेडिसिन के लिए दवा है सर हमारे पास, हमेशा ट्रीटमेंट के लिए। ओके, ये फैटी लीवर अपना शरीर में एक बार पहुंच गया मैडम, उसको क्लीन करने के लिए दवाई नहीं है। ओके, दवाई मतलब मैडम स्पीड से जाने वाला गाड़ी को थोड़ा स्लो करने के लिए ये सब। इसका नाम मैडम लिवासा। ओके, ये फैटी लीवर क्यों हो रहा है करके मैं आप सबको बताऊंगा मैडम, सारी मैडम मैं पक्का बात करने वाला हूँ, कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए, ओनली 4 पॉइंट में हो रहा है सर ये फैटी लीवर, 4 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मतलब नेल पॉलिश लगाने के वजह से हो रहा है। बापरे, ये क्यों हो रहा है मैडम नेल पॉलिश लगाने के वजह से? ओके सॉरी मैडम, ओके, ये नेल पॉलिश के वजह से एक्चुअली ये नुकुन में कोई भी पेंट चिपकेगा नहीं सर, उसको चिपकाने के लिए एक्स्ट्रा केमिकल ऐड करना पड़ता है, इसीलिए वो अच्छा सा दिखाई दे रहा है सर, और केमिकल वेरी डेंजर। ये लगाने के बाद दोपहर को शाम को रात को गर्म चावल गर्म सब्जी गर्म चीज में हाथ लगा के खा रहे हैं ना मैडम, ये गर्म उसको बिगला देता है, बिगला के डायरेक्ट जा रहा है। सेकेंड पॉइंट मतलब लिपस्टिक मैडम, ओके, 24 आवर्स गीला रहने वाला लिप्स के अंदर, ओके, उसको चिपकाने के लिए मैडम वो भी खाना पीने के साथ। थर्ड पॉइंट डिओड्रेंट स्प्रे सर, ओके, डिओड्रेंट स्प्रे मतलब वो स्मेल को थोड़ा अंदर पहुंचाने के लिए वो अल्कोहल स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं मैडम। ये अल्कोहल मतलब डायरेक्ट ये नाइस स्किन में मारने के वजह से फट से जाके ओनली फॉर 35 ग्राम लीवर को ऐसे हिला देता है सर। लीवर मतलब ओनली 35 ग्राम, 200 किलो को भी शरीर रहेगा ओनली 35 ग्राम, 40 किलो आदमी औरत को भी ओनली 35 ग्राम, इतना स्ट्रांग अल्कोहल अपना मारने से सर क्या होता है, वो लीवर मतलब थोड़ा हिल जाता है सर,
ओके, ड्रिंक करने वाले तो आराम से लेते हैं मैडम, ये जोर से करते हैं। फाइनल पॉइंट मतलब मस्कीटो भगाने के लिए हम कॉइल्स वगैरह लिक्विड्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसके वजह से भी हो रहा है। इसमें से मैडम हम चार मैटर में हम किधर रहते हैं उसमें से थोड़ा दूर रहना अच्छी बात। ये लवंग मैडम सर, ओके, ये लवंग मतलब दांत के लिए अच्छा है करके आप सुना होंगे मैडम, ओके, ये दांत के लिए अच्छा मतलब दांत खराब नहीं होने के लिए, होने के बाद कभी नहीं, ओके मैडम, सब दांत खराब होने के बाद लवंग उठा के खाएंगे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, किधर भी नहीं है। इसलिए मैडम हफ्ते में एक बार एक लवंग खाना अच्छी बात है मैडम, दो नहीं, एक लवंग लेके दांत के बीच में रखे, इसे काट के उसका एसेंस को चारों तरफ घुमाने का, घुमाने में हफ्ता पूरा किया हुआ गलत को एक लवंग माफ कर देता है। गलत मतलब मैडम, गलत मतलब हम कोई भी कान नहीं सुनाए रहे मैडम, ओके ओके, थोड़ा ओपन कर लेना मैडम आयुर्वेदिक, हाँ ओके, हाँ ओके ओके मैडम, हफ्ता में एक बार एक लवंग करना अच्छा है, कैसे रॉ मटेरियल, दो नहीं, एक लवंग मतलब दो दांत के बीच में रखने का, ऐसे काट के मुंह टाइट करना, ऑटोमेटिक उसमें से लिक्विड निकलेगा, उसका ऐसे घुमाने का मुंह पूरा, फिर बाद में अंदर ले लेना, पैक देना आपका मर्जी। इसी तरह करने में आपने हफ्ता में पूरा किया हुआ गलत को एक लवंग माफ़ कर देगा, क्यों मैडम, कोई भी आइटम दांत ग्राइंडिंग करता है, उसमें हम चॉकलेट खाया होंगे, कूल ड्रिंक्स पिया होंगे, कोई भी मटेरियल यूँ किया होंगे, उसका पॉइजनस अपना दांत के अंदर ही रहेगा, हमको दिखाई नहीं देगा, उसको भगाने के लिए हफ्ता में एक बार एक लवंग यूज़ करना अच्छी बात है। इसलिए नॉन वेज में लवंग ऐड करने के लिए बोला, क्यों वही जाके जल्दी जाके बसेगा, अगर वेजिटेरियन डिपार्टमेंट बसेगा ना मैडम उसमें से पॉइजन नहीं रहेगा, नॉन वेज मतलब एकदम जिंदा हुआ चीज़ मरा हुआ है उसमें से निकला हुआ बैक्टीरिया हमको खराब कर देगा करके नॉन वेज में इसको ऐड करने के लिए सिखा के। सुबह में उठते उठते 20 मिनट के अंदर मोशन अपने आप आना चाहिए, इसी तरह अपना बॉडी को कंडीशन में रखना जरूरी मैडम, इसके लिए एक दिन भी छुट्टी नहीं, ओके, सुबह में उठेंगे कोई लोग 10-15 मिनट बैठ के देखेंगे नहीं होएगा, ऐसे नहा धो के कपड़ा पहन के जाएंगे सर। एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है मैडम, अपना मोशन को सेव करने के वजह से हो रहा है। सब लोग बोलेंगे ज़्यादा मिर्ची खाने में होता है, ज़्यादा देर बैठने में होता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अपना मोशन को सेव करने के वजह से होता है। ओके मैडम, उसको नहीं सेव करने के लिए एक एक्सरसाइज सिखा दूंगा सुबह में उठते उठते, ओके, खाना खाने का तरीका, हाथ से उठा के मुँह में डालेंगे ना, ये पूरा अंदर जाने के तक दोबारा मत उठाना, ओके, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इतना दूर आने में कैसे भी कायन नहीं सर, मुंह में डालने के बाद ये डाला हुआ मटेरियल पूरा नीचे उतरने के बाद दोबारा उठा के रखना, इसी तरह लंच करके देखना सर, हाथ धोते धोते मेरा याद आएगा, नहीं तो आके पूछ लेना। इसका मतलब मैडम खाना खाने के पहले हम कितना स्पीड में है, एक आदमी चावल लेके रख दिया, सब्जी लाने के लिए थोड़ा टाइम होता तो हम लोग को गुस्सा आ रहा है, ये स्पीड क्यों मैडम, खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए भी हम नहीं उठ रहे हैं, सुस्ती हो रहा है शरीर में, ये सुस्ती मैडम ये पाइल्स। मैडम इसका नाम अश्वगंधा, अपना शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी बहुत इसका बोली मिलता है अश्वगंधा नेचुरल सर, आर्टिफिशियल दुनिया में बहुत घूम रहा है सर, थोड़ा अश्वगंधा रिश्ता करके वो तो आता है मैडम इम्यूनिटी के। ये देख लेना जी, ब्रह्मी मेमोरी पावर के लिए, प्लस ज्यादा गुस्सा टेंशन, ओके ओके, यही है मैडम, अपना ब्रेन बैलेंस को लेवल कर देता है। ये वाला ये देखना सर, इसको खा के देखना, भाई ऑल स्पाइसेस प्लांट का बाबरा, ये ऑल स्पाइसेस मैडम, ये ओनली फ्लेवर के लिए, ओके, ऐसे थोड़ा टच करेंगे ना थोड़ा फ्लेवर्स मिलेगा, इलायची लवंग दालचीनी, आप तेज पत्ता यूज करते हो ना उसी तरह पत्ता है। All spices एकदम strong है। अभी इसका सीजन नहीं है, अपना महाराष्ट्र में साल में एक ही बार मैंगो आता है ना, अच्छा ओके, साल में एक ही बार आता है। बघा ये अंजीरा तो झाड है, बघा कसे अंजीर लागलेत बघा, भरपूर लागले, काळी पण पडलेली आहे आणि बघा इकडे काळी मिरी झाड, सो वेगवेगळ्या झाडांवरती चढवलेली, असं काही जरूरी नाही आहे की नारळाच्या झाडावरती चढवली पाहिजे, असं पूर्ण स्पाइस प्लांटेशनच आहे। चंदन ट्री हवाले ते रहेगा सर, ओके, चंदन ट्री बघा।
आजकल दवाई के तरह दोबारा दोबारा इसके पीछे लगने का जरूरत नहीं, ये सब अपना फैमिली मेडिसिन पुराना जमाने पे अपना बड़े लोग जो सिखा के दिया है ना मैडम, वही अभी तक हम लोग है ना फॉलो करते आएंगे, उसमें कोई टहरा मेरा नहीं है मैडम। थोड़ा मतलब आउटसाइड जाने के लिए पैकिंग थोड़ा डिफरेंट था, अंदर पसा हुआ माल सब है ना सेम तरीका था। ओके अभी एग्जाम्पल मैडम ये देख लेना, ये मैंने खैर के लिए बताया था ना वही था। ओके इसमें 1-2 करके 2 बॉटल्स रहेगा मैडम, पुराना तरीका है ये, पहले 1 लगाना, ये पूरा खत्म करने के बाद नंबर 2 यूज करना है मैडम। ये 2 बॉटल 1% फिनिश कर लेंगे ना मैडम, उनका जवानी अच्छा सा निकल जाएगा। जवानी मतलब इतना उम्र मेरा जवानी कैसा, ऐसा नहीं है, सबके लिए जवानी वही है मैडम। इसका मतलब मैडम औरत लोग है ना गंगी मारते सब टूटता है ना मैडम, ये सब रुक जाता है। ओके जो महीना महीना बैठ के कलर करने वाला वो सब पैक के इसको वन कोर्स फिनिश कर लेंगे ना, कुछ साल एकदम बिंदास रह सकते हैं मैडम। ऐसे इतना जल्दी मतलब एग्जाम्पल जेंट्स लोग लगाएंगे, महीना भर बाल काटेंगे दोबारा सफेद होएगा ऐसा नहीं, अच्छा बरस इसको निकाल देते हैं। पहले 1 लगाना है, लगाने का तरीका मतलब हफ्ता में 3 बार के हिसाब से मिनिमम लगाना पड़ता है। एक टाइम है ना सिर्फ इसका एक ढक्कन लेके औरत होता तो पूरा बाल पे करने का जरूरत नहीं, सिर्फ स्कल्प का बाल के अंदर अच्छा सा लगा के मिनिमम आधा घंटे रखना जरूरी है, उसके बाद अपना मर्जी कभी भी वॉश कर सकते हैं। ओके ऐसे फिनिश कर लेने का उसके बाद ये इसका मतलब मैडम थोड़े एक हफ्ता के आसपास अपना बाल पूरा काला, काला मतलब डाई लगाने से भी काला होता है ऐसा नहीं है जी, अपना जवानी में ऊपर वाला ने जो काला दिया है ना वो काला, ऐसा मैं कहने का मतलब सबको एक जैसा नीचे तक ऐसा नहीं, हमारे लिए उसने जो बना हुआ बाल है ना हमको दोबारा जवानी रिटर्न आने जैसा फील आएगा। फिर ये देखना जी मैडम जी ये संधिकल्प मतलब फॉर जॉइंट पेन्स है, जो हड्डी के बीच में सूखा हुआ ग्रीस के वजह से उन लोग को दर्द होता है मैडम, अगर ये लगाने के वजह से क्या होता है वो कि अंदर सूखा हुआ हिस्सा है ना बिगड़ जाता है। ये लगाने का तरीका देखना, हाथ भर के लेने का पर नीचे गिरना नहीं चाहिए, वही आयुर्वेदिक का क्वांटिटी। ओके इसमें डालेंगे गिरना नहीं चाहिए, उतना सा लेके लगाने का, वही आपको उठा के दूसरी जगह पे ऐसे किधर किधर हमको दर्द था सब जगह पे एक ही बार उठने में आ जाता है, आज रात को लगा के सुबह में देखे अच्छा फर्क पड़ेगा मैडम। इसी तरह 3-4 दिन लगा के अच्छा हो गया करके सबको छोड़ना नहीं, इसको कंप्लीट करेंगे ना मैडम दोबारा इतना जल्दी इनके पीछे लगने की जरूरत। ये ब्रह्मी टोन है मैडम। ओके ये बच्चों से लेके बड़े तक मैडम अपना ब्रेन के अंदर प्रोग्राम सेट करने का, इसका मतलब मैडम ज्यादा गुस्सा टेंशन जल्दी जल्दी भूल जाना, छोटी सी बात को याद करके रात को नींद नहीं है, सुबह में उठते उठते क्यों फायदा हुआ करके दिमाग में टेंशन, ये क्या कॉलेज जाना है स्कूल जाना ऑफिस जाना ये क्या, ऐसे मतलब अपने इंटरेस्ट रहेगा, इंटरेस्ट मतलब थोड़ा ब्रेन के अंदर बैलेंस करवा के देता है। ये पाउडर फॉर्म पे रहेगा जी, दूध नहीं तो गुनगुना पानी में डाल के देना। अभी एग्जाम्पल मैडम ये लड़का को देंगे ना, सिर्फ लड़का वन कोर्स फिनिश करेगा ना ओके इनके लिए दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका नतीजा मतलब इनका चेहरा पे मतलब अपना शरीर पे दिखाई नहीं देगा जी, अपने अंदर जो है ना थोड़ा अच्छा काम डेवलप होएगा, थोड़ा खराब होगा थोड़ा माइनस होएगा, आजकल ना करते करते भूल जाते हैं ना जी, उसी तरह प्रोग्राम अपने दिमाग के अंदर नहीं रहने दें मेमोरी। ओके प्लस मैडम रात को सोते वक्त जो कराटे होता है ना मैडम ओके वो भी रुक जाता है ऐसे हाँ स्नोरिंग ओके ये देखना जी ये साइनस माइग्रेन के लिए मैडम सिर दर्द के लिए ओके सिर दर्द के लिए ओके ये भी है ना ऐसे हाथ भर के लेके यहाँ पे दल पे लगाना नहीं सर वो सब नहीं है, हाथ में डालेंगे गिरना नहीं चाहिए, आपका हाथ में डालेंगे गिरना नहीं चाहिए, कभी रात को सोते वक्त ओके बस देने के टाइम फुल बताएंगे ओके। फिर ये जो है चर्म लेपन मतलब थोड़ा इचिंग प्रॉब्लम स्किन एलर्जी के लिए मैडम ओके मतलब जस्ट नॉर्मल टाइप का जो रहता है टाइट कपड़ा पहनने में किसी को कलर फर्क पड़ता है ओके छोटा सा मौसम चेंज होते सब हमको खुजली ओके गर्मी में थोड़ा खुजली ठंडी में थोड़ा क्रैक ये सब है ना निकाल देता है, किसी को थोड़ा एक्जिमा सोरियासिस करके जो होता है ना मैडम उसके लिए थोड़ा अंदर रहता है तंदपुला कसायम करके एक होता है मैडम वो लगाने में थोड़ा काला चमड़ा ओके ये सब है ना क्लीन हो जाता। थोड़ा मैं बताया ना वजन घटाने का ओके देख लेना इसको लेने का तरीका देख लेना जी, सुबह में उठते उठते ब्रश करने के बाद खाली पेट में एक चम्मच ये पेस्ट फॉर्म पे रहेगा उसमें डालने का, इसको एक ढक्कन डालने का दोनों मिला के खाली पेट में पीने का।
ऐसे रात को मतलब खाना खाने के 10-15 मिनट पहले सेम एक ग्लास गुनगुना पानी मैडम हम पीने का लाइक रहेगा ना मैडम, गेन के लिए इधर नहीं है सर। ओके, कभी कोशिश मत करना गेन करने का, ओके उतरने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन इसी तरह मैडम ये 1% के लिए इतना ही। ओके, गुनगुना मतलब गुनगुना, गुनगुना मतलब आपका मुंह कितना संभाल पाएगा गर्म को उतना, इसका मतलब गुनगुना। ओके मैडम, कोई मैं हम लोग थोड़ा जोर लेते हैं केरला वाले, थोड़ा नॉर्थ साइड में सब ठंडा का आदत हो चुका है मुंह के अंदर, इसलिए उनके हिसाब से गुनगुना मतलब अपना मुंह कितना संभालता है उतना। ओके मैडम, एक ग्लास गुनगुना पानी में इसका एक ढक्कन, उसका एक चम्मच। ओके, फिर बाद में मैडम ये शतावरी मैडम। ओके, मैं बताया ना मैडम थोड़ा औरत लोग को पोजीशन सही करने के लिए, मतलब इसमें बोलना होता तो एक दिन पूरा हो जाएगा, उतना बड़ा कोर्स है वो। एक्चुअली आपको दो लाइन पे बताऊंगा, महीना भर वक्त सही रहेगा मैडम, वो वक्त भर अपना पेट के नीचे मतलब उनकी चारों तरफ मतलब दर्द नहीं रहने देता। इसी तरह अपना जो गर्भपात को रखेंगे ना मैडम, हमारा आखिरी तक इसमें कोई तकलीफ नहीं रहेगा। ओके, ये मतलब मैडम जमाना पर इसके पीछे लगना जरूरत नहीं मैडम, सुबह शाम करके एक एक समझ करके ये डिब्बा खत्म करने का, खत्म करने का वक्त से दूसरा तीसरा दिन में एक बार उनका वक्त आएगा, वक्त मतलब वो। ओके, वो 4-5 दिन रहेगा, उसमें से इनका नतीजा आपको पता चलेगा, दर्द बिल्कुल नहीं रहेगा मैडम, अंदर बसा हुआ गंदे कचरे अच्छा से 4-5 दिन में निकल जाएगा। फिर मतलब हर महीना 28 दिन में पोजिशन को रेगुलर कर देगा। फिर मतलब इसके बीच में थायराइड रहने वाले हैं, पीसीओडी रहने वाले हैं, ओके उसमें जो भी प्रोग्राम मतलब कैंसिल हो जाएगा। फिर मतलब अपना गर्भपात मतलब फूल के तरह एकदम ताजा बन जाता है। ये मतलब शादी के पहले होता तो उनका महीना भर पोजीशन रेगुलर रहेगा, आफ्टर मैरिड होता तो रेगुलर। फिर उनके बीच में आपको पता है कोशिश के ऊपर बेबी फॉर्म होने का उत्सव है। ओके, फिर बाद में मैडम ये पाइल्स प्रॉब्लम के लिए, पाइल्स प्रॉब्लम। ओके, ये भी सुबह शाम खाने में मैडम, ओके वो जाने का रास्ता में बसा हुआ गंदे कचड़े ये सब निकल जाता है, प्लस उसमें से निकला हुआ फिशोर वो फिस्टूला पाइल्स वो सब क्लीन करके दे देता है। ओके, फिर बाद में सर ये वेरिकोस के लिए बोला ना मैडम, यही था। ये क्या होता है मैडम, रात को सोते वक्त सेम है सर, ऐसे ही लगा के लगाने का था। ओके, रोज लगाने में बाहर दिखा हुआ जो घुमा हुआ नस दिखाई नहीं देगा, ऐसे दफन हो जाता है जी। ये बस काफी है सर, 1% के। अगर इसके बीच में कोई आना नहीं चाहिए, कोई इसी के बीच में भी, अभी एग्जांपल बाल के लिए भाई साहब ने लिया, इसके बीच में कोई आना नहीं चाहिए, आना नहीं मतलब कोई लेना मुझे भी थोड़ा दे दो, ऐसा नहीं है। ये डायबिटीज के लिए, अगर डायबिटीज पेशेंट होता तो मैडम ये दोनों है, और दूसरा कोई मेडिसिन दवाई वगैरह लेने का जरूरत नहीं। ये भी क्या करने का मैडम, वो सब पैक देने का सर, उसको लॉक करने का तो कर रहे हैं वो सब सडनली उसी टाइम के लिए मैडम, 15 दिन में एक इंसुलिन नहीं डालेंगे ना, फिर उनको शुगर लो ही पड़ेगा। ओके, वो सब में से दूर रखने के लिए तो इतना मेहनत करना पड़ता। एक्चुअली मैडम ये सब आजकल आया हुआ, ये पुराना जमाने की आदत, लोग अगर आजकल हमारे जैसा लोग के हिसाब से मेहनत करके थोड़ा फट से मिल जा रहा है मैडम, पहले ऐसा नहीं, ये बनाने के लिए बैठना पड़ता है दो हफ्ता ऐसा। ओके, ये लेने का तरीका मैडम सेम, एक ग्लास गुनगुना पानी में इसका एक ढक्कन डालने का, और ये पाउडर फॉर्म पे रहेगा सर, ये एक छोटा सा टीस्पून। ओके, एक डालने का, हिलाने का, अपना महाराष्ट्र में थोड़ा कोकम शरबत होता है ना मैडम, उसी हिसाब से टेस्ट रहेगा, खट्टा मीठा, पीने में बहुत मजा आएगा। मिक्स करने का ये सुबह विद वाटर गुनगुना, थोड़ा अच्छा ऑब्जर्व हो जाता है मैडम। ओके, इसको मतलब सुबह में कर लिया, फिर रात को डिनर के पहले। ओके, इसको ऐसे मतलब 20-25 दिन एक महीना के आसपास ये फिनिश हो जाएगा मैडम। ओके, लेकिन 4-5 दिन में अपना शरीर कंट्रोल पे आना हमको अपने आप पता चलेगा। एक्चुअली डायबिटीज पेशेंट को थोड़ा यूरिन आएगा ना, फट से मतलब जाना पड़ेगा, कंट्रोल नहीं मिलेगा, वो कंट्रोल हमको मिलेगा, ये फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड नतीजा मतलब देख लेना मैडम, अगर उन लोग 1-1.5 बजे के बीच में खाना नहीं खिलाएंगे ना, थोड़ा गुस्सा आएगा, वो गुस्सा में से उन लोग थोड़ा दूर रहेंगे। ओके, थोड़ा बातचीत थोड़ा आराम से रहेगा, यही है उनका नतीजा। अगर ये लेने के बाद हम इतना खर्चा करके लिया, ये इसको मतलब यूं देखेंगे करके वहां जाके 300-200 रुपया खर्चा करने का जरूरत नहीं, ये 4-5 दिन में ये आपको यूरिन आएगा, अगर बाथरूम के अंदर जाके बैठ के आराम से करने के तक आपको मौका मिलेगा। फिर इसके अलावा मैडम थोड़ा कॉस्मेटिक के लिए यही है, फेस का मार्कश निकालना, ये भी बात बताता हूँ मैडम, ऐसे बहुत सारे
उल्टा सीधा बोलने वाले बहुत है, टीवी वगैरह में काली गोरी हो जाए, काला गोरा हो जाए, ये सब दुनिया में कभी नहीं होगा मैडम। उसने दिया हुआ रंग अच्छा से रोशनी बनेगा ही, इसका मतलब आग के नीचे काला ओके, चमड़ा सूखा हुआ ये सब है ना फिनिश कर देता ओके। रात को सोते वक्त जस्ट लगा के सोने का। सो बरेचसे आयुर्वेदिक औषधे ते अवेलेबल होती जर त्यांनी सांगितलेलं, त्यातले आम्ही पण काही घेतली आहेत, स्पेशली पप्पांसाठी घेतले, पप्पांना थोडा माइंड डायबिटीस आहे, त्यामुळे काही औषधं घेऊन ठेवतात आता इकडे। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट घेणं कधी पण चांगलं। आणि इकडे सगळे बघा स्पायसेस आहेत, टी आणि इथे वेगवेगळे स्पायसेस आहेत ठेवलेले आहेत बघा, सगळे औषधी वनस्पती आहेत। सो आय थिंक मला असं वाटतं हे चांगलं बिझनेस मॉडेल आहे की जर तुम्ही अशा प्रकारचे प्रोडक्ट्स आपण जर कोकणामध्ये बनवू शकलो ना, तर लोक ते हातावर घेतात, स्पेशली आयुर्वेदिक मेडिसिन्स म्हणा आणि स्पायसेस मसाले ओके बघा। सो हे एक चांगलं क्रॉस सेलिंग आहे ट्रॅव्हल टुरिझममध्ये। आणि ते रश्वीन सर आहेत, त्यांनी खूप चांगली इन्फॉर्मेशन दिली ओके, थँक्यू सर, थँक्यू सर। सो आपण स्लाइस पॅन्टीशोर निघालो आहोत, आता भरपूर शॉपिंग केली आहे तुम्ही बघितलं, आणि आता आपण चाललो ते सगळ्यात मोस्ट फेवरेट पार्ट की एलिफंट राईड। मी तर खूप एक्साइटेड आहे, प्रेरणा आर यू एक्साइटेड? ओके, मी पण आयुष्यात पहिल्यांदाच करतोय, मी पण कधी केली नव्हती एलिफंट राईड। सो लेट्स गो आणि एलिफंट राईड करूया।